लगता है मेरे को अपने इस ट्यूटोरियल सीरीज का नाम ना लॉकडाउन ट्यूटोरियल सीरीज रखनी चाहिए। साला बनते चले आ रहे हैं और लॉकडाउन खोल ही नहीं रहा। व्हाट्स अप माय लवली फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग फैंटास्टिक टुडे। सो गाइस, आज मैं एक हाई डिमांड वीडियो लेके आया हूं, बेस्ट सिनेमैटिक सेटिंग फॉर सोनी A6400 कैमरा। और यही सेटिंग अगर आप चाहें तो 6100, 6600 और A7III में भी सेम सेटिंग यूज करके आप सिनेमैटिक आउटपुट ले सकते हैं। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलो टाइम में बर्बाद करते हो, सीधे वीडियो पे अटैक करते हैं। क्योंकि ये लिस्ट बहुत लंबी हो रही थी तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि आपको आराम से समझ में आ पाए, मैंने इस लिस्ट को तीन कैटेगरी में बांट दिया है। नंबर वन मोशन, नंबर टू एक्सपोजर एंड कलर्स, एंड नंबर थ्री एडिटिंग और कैमरा सेटिंग्स। तो अगर हम मोशन कैटेगरी की बात करें तो इसमें मैं आपको तीन चीजों के बारे में बताना चाहूंगा। नंबर वन शटर स्पीड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप सिनेमैटिक लुक चाहते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि राइट साइड वाली जो शटर स्पीड है वो सही शटर स्पीड है, और लेफ्ट साइड वाली जो शटर स्पीड है वो मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा के शूट किया है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के मोशन में कितना डिफरेंट आ रहा है। एक में प्रॉपर सिनेमैटिक मोशन मिल रहा है हमारा, और दूसरे में जिटरी इफेक्ट आ रहा है। तो जब भी आप गलत शटर स्पीड का प्रयोग करेंगे वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम, तो आपको जिटरी मोशन वाला इफेक्ट मिलेगा, जो कि सिनेमैटिक बिल्कुल नहीं लगता। तो गाइस, अवॉइड यूजिंग रॉन्ग शटर स्पीड। अब आप पूछेंगे कि राइट शटर स्पीड क्या होती है। तो भाई, राइट शटर स्पीड ये होती है कि जो भी आप प्लेबैक रिकॉर्डिंग पर शूट कर रहे हो उसका डबल कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर आप 24p की सेटिंग पे कर रहे हो तो 24 का डबल होता है 48। अब 48 की तो शटर स्पीड होती नहीं है, तो आप 50 यूज़ करोगे। अगर आप 30 यूज़ कर रहे हो तो आप शटर स्पीड 60 यूज़ करो। अगर आप 120 यूज़ कर रहे हो तो आप अपने कैमरे की शटर स्पीड को 250 पे डाल दो। ये जनरल रूल ऑफ थंब है। इसके अलावा अगली चीज़ जो मैं बहुत यूज़ करता हूँ, जो मेरे को बहुत पसंद है और मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सिनेमैटिक लुक देती है, वो ये कि मैं 4K को 30p पे शूट करके और 20% स्लो कर देता हूँ। तो अगर आप 4K 30 को 20% स्लो कर देंगे तो वो 24p वाला इफेक्ट आ जाएगा, लेकिन उसमें एक सिनेमैटिक स्मूदनेस आ जाती है जो कि बहुत ही बढ़िया लुक देती है। अगली चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, सबको पता है, वो S से शुरू होती है, SLO, स्लो मोशन यार। तो गाइस, स्लो मोशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने देखा है बहुत सारे लोग कैमरा अपग्रेड ही सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बेटर स्लो मोशन चाहिए होता है, और उन बहुत सारे लोगों में एक मैं भी हूँ। अब अपने सोनी अल्फा कैमरे में जो नए वाले मॉडल हैं उनमें दो टेक्निक होती है स्लो मोशन रिकॉर्ड करने की, एक होती है SNQ मोड के थ्रू और दूसरी होती है सेटिंग के अंदर जाके रिकॉर्ड करना। तो अगर आप अपनी वीडियो इंस्टाग्राम पर डालने के लिए, फेसबुक पर डालने के लिए या फिर यूट्यूब पर डालने के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप SNQ मोड के थ्रू स्लो मोशन रिकॉर्ड करें। वो फास्ट होता है और आप जल्दी से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट पे यूज़ कर रहे हैं, कोई पेड असाइनमेंट है और उस वीडियो में बाद में हैवी कलर ग्रेडिंग वगैरह भी होने वाली है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सेटिंग के अंदर जाके 120p वाली सेटिंग एक्टिवेट करें, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा बढ़िया क्वालिटी की फाइल होती है। SNQ में हमको 12 मेगाबिट पर सेकंड की फाइल मिलती है, सेटिंग के अंदर जाके जब हम स्लो मोशन को एक्टिवेट करते हैं तो वो 100 मेगाबिट की फाइल होती है, मतलब लगभग 6 से 7 टाइम बेटर फाइल होती है। अब जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि भाई शटर स्पीड का सही होना बहुत ज़रूरी है, तो अब सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को आएगी जो बाहर शूट कर रहे हैं। बाहर अगर आप दिन में शूट कर रहे हो, सुबह या शाम को भी शूट कर रहे हो, और आप शटर स्पीड 50 यूज़ करोगे तो आपको अपना अपर्चर पूरा खोलना ही पड़ जाएगा, नहीं तो आपका कैमरा एकदम भखाभख वाइट हो जाएगा। उससे कैसे बचा जाए? ND फिल्टर, हमारे कैमरे का चश्मा गाइस, मतलब ND फिल्टर लगाओ। ND फिल्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको वो बाहर भी बैकग्राउंड ब्लर चाहिए दिन के टाइम में, तो ND फिल्टर के बिना वो आ ही नहीं सकता। अगर आप ND फिल्टर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरी ये वाली वीडियो देखिए, इसमें मैंने ND फिल्टर के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा बताया है। दिन के किस समय पे आप शूट कर रहे हैं वो भी सिनेमैटिक लुक को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर मैं एक सीन
सनराइज के टाइम पे शूट करूं और फिर वही सीन मैं दिन में 12:30 बजे शूट करूं, तो आपको अपनी आंखों से खुद ही पता लग जाएगा कि कौन सा वाला ज़्यादा सिनेमैटिक लग रहा है और कौन सा वाला रद्दड़ा लग रहा है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए जितने भी प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर है वो प्रेफर करते हैं या तो गोल्डन आवर के टाइम पे या फिर शाम के टाइम में जब सूरज ढलने वाला होता है, क्योंकि सबसे बढ़िया टाइम हमारा यही होता है जिसमें सबसे बढ़िया वाइब्रेंट और सिनेमेटिक कलर्स आते हैं। वीडियो में हमको एक्सपोजर को प्रॉपरली मतलब सेट करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक चीज़ होती है, वो है ज़ेब्रा सेटिंग। आप अगर उसको सेट कर लें तो वो आपके कैमरा के एक्सपोजर को सेट करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। आइए देखते हैं उसको कैसे सेट करते हैं। तो दोस्तों, जब ज़ेब्रा सेटिंग को आप अपने वीडियो में ऑन करते हैं तो ये जो भी आपके क्लिप में जो भी ओवर एक्सपोज एरिया होता है उसको हाईलाइट कर देता है, ऐसी मार्किंग बन के आ जाती है। फिर आपको पता लग जाता है कि आपका कौन सा एरिया ख़राब हो रहा है और आप अपना अपर्चर या शटर स्पीड जो भी अवेलेबल है उसको एडजस्ट करके आप अपनी क्लिप को ठीक कर सकते हैं और अपनी क्लिप को परफेक्टली एक्सपोज कर सकते हैं। इसको सेटअप करने के लिए आप दूसरी कैटेगरी के 6th पेज में आकर ज़ेब्रा सेटिंग के अंदर आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप ये जो डिस्प्ले सेटिंग है इसको आप अगर ऑन नहीं है तो इसको ऑन कर लेंगे और यहाँ पे जाके आप इसमें 95 या 90 डाल कर लेंगे। अगली सिनेमेटिक टिप जो मैं आपको देने वाला हूँ गाइस, वो ये है कि अपने सब्जेक्ट को, जो भी हो, आपका दोस्त हो, कोई प्रोडक्ट शूट कर रहे हैं आप, कुछ भी शूट कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि उसको डायरेक्शनल लाइटिंग में रखिए। मैंने देखा है कुछ लोग शूट करते हैं, बंदा सामने खड़ा करा और सामने लाइट लगाई और भकाभक मुंह पे लाइट मार दी, उससे क्या होता है पूरा मुंह सफ़ेद आता है और वो सिनेमैटिक लुक आता ही नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जितने भी सिनेमैटिक लुक होते हैं उनमें लाइट के साथ साथ शेडो का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर आपके फेस पे लाइट ही लाइट पड़ रही है और कुछ शेडो नहीं है तो आपका फिर सिनेमैटिक लुक आ ही नहीं सकता। तो हमेशा अपने सब्जेक्ट को ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ पे डायरेक्शनल लाइट आ रही हो, थोड़े शेडो आए, थोड़ा लाइट आए, ताकि वो एक सिनेमैटिक लुक एंड फील आ पाए। अगला टिप बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है वाइट बैलेंस। बेकार वाइट बैलेंस आपकी सारी मेहनत बेकार कर सकता है, और इनफैक्ट ऑटो वाइट बैलेंस भी आपकी सारी मेहनत बेकार कर सकता है वीडियो मोड में। तो ऑटो वाइट बैलेंस से बचें, वाइट बैलेंस को केल्विन में जाके मैन्युअली डायल करें और सही वाइट बैलेंस यूज़ करें, क्योंकि अगर आपका वाइट बैलेंस एक बार ख़राब हो गया ना वीडियो में तो उसको कोई एडिटिंग ठीक नहीं कर सकती। फोटो में तो फिर भी अगर आपने रॉ खींची है तो आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन वीडियो में आप ठीक नहीं कर सकते। DRO सेटिंग, डायनेमिक रेंज ऑप्टिमाइज़र, ये बहुत ही उम्दा सेटिंग है, आपके वीडियो को HDR लुक देती है, शेडोज़ को ब्राइट कर देती है, जिससे कि हमारा जो ओवरऑल इमेज है वो बहुत ही वाइब्रेंट लगती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस सेटिंग को हमेशा इनेबल रखें, आप ऑटो पे भी रख सकते हैं और आप चाहे तो इसको मैन्युअली एडजस्ट करके 1, 2, 3, 4, 5 जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, बट इसको यूज़ ज़रूर करिए। पिक्चर प्रोफाइल, सब लोग बैठ के इसी का इंतज़ार करते हैं अक्सर। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि फॉर कैजुअल शूटिंग, अगर आप कैजुअली शूट कर रहे हैं, आप अपना वीलॉग शूट कर रहे हैं, कोई ऐसी वीडियो शूट कर रहे हैं, वेकेशन वीडियो, तो मैं बोलूंगा कि आप स्टैंडर्ड पिक्चर प्रोफाइल यूज़ करिए, वाइट बैलेंस एकदम ठीक से सेट करिए और DRO को ऑटो पे छोड़ दिए और मस्त कलर मिलेंगे अगर आप अच्छे समय पे शूट करेंगे दिन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे क्लाइंट आपको पैसे दे रहा है और आपकी वीडियो एडिट होनी है पोस्ट प्रोडक्शन में, तब फिर आप मेरा फेवरेट पिक्चर प्रोफाइल 10 यूज़ कर सकते हैं, जो कि HLG 2 और 3 में से दोनों ही अच्छे काम करते हैं। अगर आप लो लाइट में शूट कर रहे हैं तो HLG 2 यूज़ करिए, अगर आप दिन में शूट कर रहे हैं तो HLG 3 यूज़ करिए। तो गाइस, जब आपने एक फुटेज को अच्छी तरह, अच्छे टाइम पे, अच्छे वाइट बैलेंस में शूट कर लिया, व्हाट इज़ नेक्स्ट? नेक्स्ट इज़ एडिटिंग। कोई भी चीज़ आप अच्छा कितना भी कर लो, लेकिन अगर आप उसको एडिटिंग के टाइम पे पॉलिश नहीं करोगे, उस पर बढ़िया एडिटिंग नहीं करोगे, अच्छे से कलर ग्रेडिंग नहीं करोगे, उसमें अच्छे से लट नहीं यूज़ करोगे, तो फिर वो फुटेज कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब इन कैमरा एक लुक आता है और कई बार बहुत अच्छा लुक हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा और छेड़खानी करें, थोड़ा सा और एडिट करें, तो वो और बेटर हो सकता है। तो इसलिए एडिटिंग करना, कलर ग्रेडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब सवाल है आपके सवालों का। अगर आपके कोई भी सवाल हैं और या फिर आप किसी चीज़ में कन्फ्यूज आए गए हैं तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं जल्दी से जल्दी आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो आप अपने सवाल मेरे को डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं वहाँ पे, विच इज़ अ वेरी कूल थिंग, क्योंकि वहाँ पे हम 1-to-1 टॉक करेंगे। ओके, तो जाओ भैया मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, और बहुत ही जल्दी मैं आपको अगली वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक एंजॉय योर टाइम, सी यू सून,
एंड जय हिंद।